इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का ये चैप्टर है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको कैसे स्टडी करना है, पूरा डिस्कस मैं करूंगा इस चैप्टर में। नाउ सबसे पहले तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। ये चैप्टर 7 मार्क का है विद ऑप्शन 10 मार्क का है। साफ पता चलता है इससे, साफ पता चलता है कि जो आखिरी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो बड़ा क्वेश्चन मैं तुमको इधर से दिखा दूं, 8 मार्क का नहीं आएगा। ये तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन, ये देखो मार्च 2022 का पेपर, ठीक है ना, ये रहा। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, NE2, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का लगभग नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर खुद वैसे तो कंपल्सरी में 7 है विद ऑप्शन 10 है। तो ये जो चैप्टर है ये तुमको ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर्स के लिए ही रेलेवेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इन लोगों ने क्लियरली बोला है, ये जो यू शुड नो जो डार्क में है, इसमें से नॉर्मली ये लोग बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये नॉलेज के लिए दिया हुआ है। फिर भी इसमें से ऑब्जेक्टिव्स हमने 100 MCQs का जो वीडियो बनाया है उसमें जरूर पूछा है। नाउ इस चैप्टर में जो पीछे बाल भारती दिया हुआ है, इसके बाहर भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन इस बार, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड का एक डिस्टिंग्विश डाल दिया, जो यहाँ पे तुमको कहीं पे मिलेगा नहीं। सो इस चैप्टर में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स, कंसेप्ट, डेफिनेशन, नेचर, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, देखो कितने बार, कम से कम 25 बार पूछा गया है। और जो मेरा डिस्टिंग्विश का वीडियो है या तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो है, उसमें जो मैंने स्टोरी बनाया है आई थिंक पीके करके, जिसमें आपके 20-22 पॉइंट मैंने लर्न करवा दिए, वो आपका साथ साथ हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स, ये जरूर करना, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि 4 मार्क का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, एक्सप्लेनेटरी नोट्स करीबन 3 मार्क का हो गया, डिफाइन 2 मार्क का हो गया, और लिखना भी कैसे वो मैंने बताया, ABC, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने अलग से वीडियो में बताया है कि फीचर्स ऑफ माइक्रो और फीचर्स ऑफ मैक्रो डिस्टिंग्विश किया तो तुम्हारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 होते हैं, फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो और डिस्टिंग्विश, और उसमें साथ साथ तुम्हारा डेफिनेशन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी हो जाएगा, फीचर्स भी हो जाएगा, डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। तो ये बहुत रेलेवेंट है। तो इसका मतलब फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो और डिस्टिंग्विश तुम एक साथ कर सकते हो स्टडी। अच्छा, उसके बाद में ये जो 2 ही मेन क्वेश्चन बचता है, 2 मतलब 4 बचते हैं, स्कोप ऑफ माइक्रो पहले आएगा तुम्हारा, ये रहा स्कोप ऑफ माइक्रो, उसके बाद स्कोप ऑफ मैक्रो, ठीक है, और 2 इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। ये चारों के चारों मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं, इस वीडियो के लिंक में जो भी दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हो, और सबको स्टोरीज के साथ सपोर्ट दिया है। तो इसका मतलब आपको इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन करने हैं, देखा जाए तो 5 ही करने हैं। कैसे 5? फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो और डिस्टिंग्विश का मैंने एक साथ ही बना दिया है, और स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, बस इतना ही है। तुमको डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन सिलेबस में नहीं है तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे बुक में भी दिया नहीं है। तुम्हारा बेंचमार्क सिलेबस का क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स की बाल भारती, लेकिन बाल भारती की जो बुक है तुम्हारी, मैं बता दूं इस सिलेबस में एग्जाम के बाहर से भी इन लोगों ने जो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि बाल भारती के पीछे से आएगा, देखो हमने बनाया है, इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी में जो आना चाहिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे तो इन लोगों ने दिया भी नहीं है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड कहीं पे भी मिलेगा नहीं। और एक और है, ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आया था, इसका मतलब तुम पूरी तरीके से बाल भारती के पीछे के क्वेश्चन करोगे और तुमको लगेगा एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा, द आंसर इज नो। समझ में आ रहा है?
तुमको ये थरो करना पड़ेगा और इसके साथ साथ चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है, एसर्शन और एजम्पशन इसमें नहीं दिया है। और तुम्हारा ये जो तीसरा है ये मार्च 2022 का आएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव का मैंने अलग बाल भारती फुल चैप्टर एक्सरसाइज रिविजन करके बनाया है, ठीक है ना। तो उसका ये सब ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किए। तो कितने करने हैं तुमको इस चैप्टर में, क्वेश्चन 5, कितने मार्क्स का है वो भी मैंने बताया है तुम्हारे सामने। ये चैप्टर है 7 मार्क का, ठीक है, 10 मार्क का, मतलब इसमें साफ पता चलता है दो दो मार्क के 3 आएंगे, 4 मार्क का 1, 2 मार्क का 1 और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ऐसे 7, और एक्स्ट्रा 2 मार्क का और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। इफ यू चेक आउट फॉर द ईयर 2022, इन्होंने ये जो वापिस एक बार पेपर बताता हूँ और बोलता हूँ कि कैसे उन लोगों ने सिलेबस के बाहर थोड़ा सा चले गए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा गया, ये रहा, इसमें आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, ये रहा ऊपर, ये रहा 2A, सॉरी, जो पूछा है क्वेश्चन शोभा कलेक्ट, ये रहा आशा, आशा कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। इधर तुम्हारे बाल भारती में नाम है गौरी का, उसको चेंज करके उन्होंने आशा डाला है, समझ में आ रहा है। और वे लोग वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि वो लोग वर्ड्स कैसे उल्टा पुल्टा करेंगे। ये जो है यहाँ पे कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या आंसर रहेगा, होल इकोनॉमी, इकोनॉमी डेवलपमेंट और एग्रीगेट सप्लाई, बराबर है, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो का है। तो इन लोगों ने क्या डाला था, होल इकोनॉमी स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर है ना। इन लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव्स को बोलते ना सर्जरी किया, इसका अंदर लिया उसका बाहर लिया और फिर आंसर दिया। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तुम स्टडी करने से पहले दो चीज ध्यान में रखोगे, कितने मार्क का है, 7, विद ऑप्शन कितना है, 10, कितने क्वेश्चन करने, 5, लेकिन तुमको स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड पूछा है, ठीक है ना। ऑफकोर्स वो लिमिटेड है, लेकिन तुमको अच्छा स्कोप ऑफ माइक्रो का चार्ट पता है, इधर मैं चार्ट भी दिखा दूं जो इन लोगों ने यूनिवर्सिटी ने ड्रॉ किया है। तो तुमको फुल मार्क्स चाहिए तो ये जो चार्ट दिया है वो भी तुमको ड्रॉ करना चाहिए और फिर स्कोप के पॉइंट्स आ जाएंगे अंदर के। तो इस प्रकार से ये जो 5 क्वेश्चन तुम करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा एक तो कंसेप्ट क्लियर होगा विद रीजनिंग क्लियर होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स तुमको पता होने चाहिए। सो दैट वे तुम ये 5 भी करोगे तो तुम्हारा अंदर का राइटअप आ जाएगा, एग्री और डिसएग्री जो है, ठीक है ना। तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन पेपर बता देता हूं, ये देखो ये आ गया इधर, एग्री और डिसएग्री विद रीजंस, कितने मार्क का है, 4 मार्क का है, समझ में आ रहा है। 4 में से 1 मार्क का होगा एग्री और डिसएग्री और 3 मार्क का होगा एक्सप्लेनेशन। तो तुमको इस प्रकार से ये सब्जेक्ट चालू करना है, आराम से हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने इसके जो वीडियोस बनाए तुमको हर एक वीडियो एक बार देखना है, इसके पॉइंट्स लर्न करने, और विद इन 2 से 4 घंटे में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। प्लस मैंने हर एक जैसे कि फीचर्स में पीके की स्टोरी डाली है, ठीक है ना, एडवांटेजेस में अलग, स्कोप ऑफ मैक्रो में थीरी नेशनल चैंपियन की स्टोरी डाली है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो में बापू पुल की स्टोरी डाली है। जो स्टोरी डाले हैं उससे आपके सारे के सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो में सुधा फेस की स्टोरी डाली है, स्टोरी के थ्रू तुमको पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। एक वीडियोस देख लेना, एक बार आंसर रीड कर लेना, एक बार चैप्टर को लिख के निकालना, फिर तुम कभी भूलोगे नहीं। और 100 एमसीक्यूज भी मैंने बनाया है, बाल भारती ऑब्जेक्टिव्स के भी अलग से सब दिया हुआ है, आराम से हो जाएगा। ठीक से इसको पढ़ लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।